इस वीडियो में मैं आपको डाइनिंग के बारे में बताऊंगा कि हम डाइनिंग का सेक्शन जो है वो कैसे परफॉर्म करेंगे, हमारे पास जो डाइनिंग के कस्टमर होंगे उनको कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम डाइनिंग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमने जो टेबल्स ऐड किए होंगे वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहे होंगे, जो उनसे टेबल पे कस्टमर आके बैठा है हम वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। यहाँ से हम जो है वो कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे अगर कस्टमर का नेम है, वरना वॉक इन ही कस्टमर रखेंगे। उसके बाद हम जो है यहाँ पर जो है फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ऑर्डर किया है दो शवारमा का और उसके साथ ड्रिंक्स हैं, दो स्प्राइट्स जो हैं उन्होंने ऐड की हैं, ये हम यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर देखेंगे आप प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन होगी, हम ऑर्डर जो है उसको प्लेस कर देंगे। उसके बाद हम ऑर्डर लिस्ट में जाएंगे, या तो आपका जो प्रिंटर है वो किचन प्रिंटर के ऊपर चला जाएगा, अगर आप किचन स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ पर ऐसे शो हो जाएगा। यहाँ से हम इसको रेडी कर देंगे सिंपली, तो ये रेडी होके पिकअप में आ जाएगा। पिकअप से फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने आपसे कहा है कि हम जो है हमारा ऑर्डर अपडेट कर दें, हम एक और चीज़ ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो हम सिंपली दोबारा यहाँ से ऑर्डर में जाएंगे, उनका टेबल नंबर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से दोबारा जो चीज़ें पहले ऐड की हुई हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी, क्वांटिटी कम ज़्यादा करनी है वो कर दें, या कोई न्यू चीज़ ऐड करवाई है उन्होंने फॉर एग्जांपल शेक उन्होंने ऐड करवाया वो कम ज़्यादा ऐड हो जाएगा, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो अपडेट पे क्लिक कर देंगे, ये तो ये आपका ऑर्डर अपडेट हो जाएगा, ये दोबारा आपको न्यू ऑर्डर में शो हो जाएगा। यहाँ से इसको फिर दोबारा से हम जो है वो रेडी कर देंगे सिंपली, तो ये हमारा पिकअप में आ जाएगा। इस तरह जो है वो आपने ऑर्डर अपडेट करना है। यहाँ से हम अपना वेटर सेलेक्ट करेंगे, वेटर कौन सर्व कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है इन प्रोग्रेस को यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे, रेडी करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट में चला जाएगा। ये अभी मैनुअली मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, आपके पास ये इशू नहीं आएगा, आपके पास ऑटोमेटिकली रेडी करते जाएंगे तो ये नेक्स्ट मॉड्यूल में मूव आउट होता जाएगा। यहाँ पर ये आपके पास कंप्लीटेड हो गया। उसके बाद हमने जब इसकी पेमेंट रिसीव करनी है, हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे टेबल नंबर के ऊपर, कोई न्यू चीज़ ऐड करनी है वो ऐड हो जाएगी। अगर आप इसी का बिल कस्टमर क्रिएट करवाना चाह रहे हैं तो सिंपली जो है हम यहाँ पर पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करके इसकी जो है वो अमाउंट रिसीव कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका जो है वो ऑप्शन जो है ये हमारे पास डाइनिंग का जो सेक्शन है ये परफॉर्म हो जाएगा। इसको आपने इस तरह डील करना है।